जिप्सी भाई आ रही है ना अंदर। हाँ यार, जय श्री महाकाल दोस्तों, मैं आपका अपना भाई सूर्या आपके अपने YouTube चैनल बेस्ट इन एडवेंचर पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। एक हॉन्टेड लोकेशन या फिर एक हॉन्टेड गांव का एक ऐसा घर जिसमें बोला जाता है कि आज भी कोई रूह नजर आती है। इसके पीछे का जो इंसिडेंट है या जो घटना है वो भी आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ बातें कहना चाहता हूँ। आज मैं जिस जगह खड़ा हूं वो है गांव के बीचों बीच, एक ऐसा घर जो आज वीरान पड़ा है कम से कम 10 से 12 सालों से, 12 से 13 साल भी मान लो, 14 साल भी मान सकते हो आप। इतने टाइम से ये घर जो है वीरान पड़ा है, और इसके पास वाला जो मकान है, इनसे भी हमारी बात हुई थी, इन्होंने भी हमें बताया है कि इस जगह पे कोई ऐसी चीज हमें यहां नजर आई है, या कोई एक औरत हमें इस घर में नजर आती है। क्योंकि जो हमारे जस्ट इसके जस्ट पीछे जो मकान बना हुआ है, यहाँ पे किसी ने जमीन खरीद करके फिर इस मकान को बनाया है, ना कि यहाँ के रहने वाले लोगों ने या यहाँ के गांव वालों ने। आज हम खड़े हैं राजोसी, एक ऐसा गांव जो मशहूर है अपने बिजनेस की वजह से, या फिर यहाँ की क्या बोल सकते हैं अपन, एजुकेटेड उसमें हमें बोल सकते हैं। ये गांव जो है पूरी तरह से आबाद है, लेकिन इस घर में या इस घर की बातें पूरे गांव में चर्चा में रहती है। जैसे इस घर का जिक्र होता है तो सबके पैर कांपने लग जाते हैं, लेकिन हम दोनों भाई आनंद भाई और मैं आपके सामने खड़ा होकर के इस घर के अंदर से जो कुछ रहेगा वो सब कुछ रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे। ये मिथ है या फिर रियलिटी ये पता चलेगा इसको विजिट करने के बाद। यहाँ की जो कहानी है वो बता देता हूँ आप लोगों को मैं। एक ऐसी औरत जो अपनी लड़की को पाल रही थी, तब से जब उसके हस्बैंड की डेथ हुई, मीन्स उसका हस्बैंड जो है खेती करता था या किसानी करता था, और उसके अलावा कभी कभी जो है ट्रक या ट्रेलर बोलता ना, तो वो जो काम भाई करना पड़ता है। आज से कुछ वक्त पहले ऐसे में लोग यही करते थे, ज्यादातर खेती होती थी, लेकिन अगर खेती में वक्त ना मिले या पैसा ना मिले तो लोग बाहर भी चले जाते थे कमाने के लिए। वही सब कुछ वो कर रहा था, लेकिन अचानक एक दिन वो खेत में गया ट्रैक्टर लेकर के, जैसे होता ना धान होता है तो धान निकालने के लिए गया था, और मशीन के पास वही खड़ा था जहां पे वो दिए जाते हैं ना पुले, तो चारा दिया जाता है जिसमें जिसकी वजह से धान निकलता है। उसी वक्त जो हुआ वो बहुत ज्यादा दर्दनाक हादसा था, और इस घर की ऐसी बात जो अगर वीरान घोषित कर देती है या मजबूर कर देती है सुनने के लिए इन सारी बातों को, उस इंसान की मौत हो गई थी भाई उस मशीन में जाने से। सिर्फ उसका एक हाथ गया था उस चारे के साथ में, और हाथ के साथ में पूरी बॉडी, वो कंट्रोल नहीं कर पाया उस ट्रैक्टर को, बस अचानक से उसकी मौत हो गई। उसके बाद में इस घर को संभालने की जिम्मेदारी थी उस औरत की, क्योंकि उसके थी एक लड़की जो थी छोटी। लेकिन 7 से 8 साल उस औरत ने गुजारे अपने पति के बिना, और बाकी सब लोगों के ताने सुनते हुए, जो भी कुछ बोलते हैं वैसा कुछ करते हुए। लेकिन एक टाइम पे वो थोड़ी सी बीमार हुई, अब भाई छोटी सी बच्ची कितनी सी परवाह कर सकती है, लेकिन फिर भी संभालने की कोशिश करी। लेकिन वो औरत जो है वो बीमार रही, और बीमार होने के बाद उसकी मौत हो गई अचानक से। और उसके बाद से वो लड़की जो थी छोटी, वो आज भी उसके ननिहाल में रहती है। उसकी उम्र 18 से 21 साल की होगी, मे बी हम अंदाजन बता सकते हैं ये चीज, पर आज भी बोला जाता है कि उस औरत की रूह यहाँ नजर आती है, या इस घर में अजीब गरीब सी चीजें होती है। जैसे ये सामने आप देख रहे हो, तो ये सब कुछ टूटा हुआ अचानक से नजर आने लगता है, अचानक से ये सारी चीजें होती है यहाँ पे। अब कितना सच है तो स्टोरी सुन के पता चल गया होगा आप लोगों को। हर एक चीज को हम तरीके से विजिट करने की कोशिश करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। बाकी यहाँ का जो हुलिया है ना भाई, आनंद भाई आ गया जवाब, यहाँ का जो हुलिया है पूरी तरह से बदल चुका है आनंद भाई। हाँ भाई, आसमान है
भाई यार प्रेम सीरीज अपन ने देखी थी ना। देखी थी भाई बिल्कुल। मैंने आपसे एक सवाल भी पूछा था उस वक्त, आप लोगों ने जवाब भी बहुत दिए थे अच्छे। इसका आज यहीं पे नाम लिखा हुआ है, M80। गांव लिखा हुआ है भाई। में M80 बोलते हैं इसको, लेकिन M80 इसका जो रियल नेम होता है वो है। लोकेशन डेंजर है, और यहाँ की कहानी जो है वो भी आप लोगों ने समझ ली होगी, सुन ली होगी। हम बस ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, हम चाहेंगे जितना कुछ है वो सब कुछ आप लोगों के सामने रहे। ठंड के टाइम में भी हम कोशिश करते हैं आप लोगों के लिए एक से एक लोकेशन लाने की, और एक से एक ऐसी खतरनाक से खतरनाक चीजें जो हमने जिंदगी में शायद कभी फेस भी नहीं करी है, सारी कुछ चीजें। क्या हो गया, क्या फांसी हो चलने लग गई यार। गया? चल कोई नहीं, जाता है ना। यार ताले तो किधर गए यार, ताले भी खुले हुए बड़े हैं, पर इन दरवाजों की कंडीशन देखते आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितने वक्त से ये ऐसे पड़ा होगा, या कितने वक्त से इसकी केयर नहीं हुई होगी। दीवार शायद ये दरवाजे टूटने वाली कंडीशन में है। भाई पूरी कंडीशन खत्म हो रखी है अरे अपने सारी। आप से टूट रहे यार, अंदर आओ, अंदर ध्यान से आना ना। आनंद भाई, ट्रैक्टर का साइलेंसर वगैरह सब छोड़ हुआ दो। वही तो। गेट अभी भी कंपन हो रहा लोकेशन तो डेंजर है, हमने यहाँ वैसे भी किसी चीज को रोका है। भाई भाई ऑटोमेटिक गिर गया यार, कहाँ था ये? खड़ा था वहां पे यार। तूने जैसे उस चीज को छुआ वैसे गिर गई आ रही है भाई। देखिए हम आपके घर में है, हम किसी भी चीज को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आए हैं, बस जितना हो सकता है हमसे वो जानने की कोशिश करेंगे हम यहाँ पे। ये उस टाइम में क्योंकि अलमारी हुआ करती थी, उस टाइम में लोग वगैरह ऐसे कुछ नहीं थे, ये इतनी सी हुआ। और जो शायद मैंने बात बोली थी, और जो गांव वालों ने हमें बताया था यहाँ के बारे में, वो सच है कि यहाँ पे आज भी ट्रैक्टर के साइलेंसर पड़े हुए हैं। भाई खराब भी नहीं है, नहीं है बिल्कुल हाँ वही तो, फ्रेश हो गया। फ्रेश तो नहीं है, इतने ज्यादा पुराने हैं कि मतलब इसमें जो कालापन है ना वो आज भी है। ये ट्रैक्टर का जो अपन धान वगैरह निकालते हैं ना, वो है जो ये जाली लगती है ना, वो है वही क्या? ओ भाई साहब, सूर्या भाई यार, भाई यार सूर्य भाई क्या सीन हो रहा है यार, तेरे को पता भी नहीं चला क्या? तेरी कसम मैंने ध्यान ही नहीं दिया भाई। भाई भाई, भाई नीचे चल, दूसरे को बता रहा हूँ भाई। हाँ सूर्या भाई बाहर निकलते इससे। जो एग्जिट था उससे वापस क्लियर हुआ है, वहां पे इरादा नहीं है यहाँ पे अपनी जान को खतरे में डालना। पूरे गांव वाले जो है ना यहाँ की बात, दहशत जब बोलने लगते हैं ना तो दहशत उनकी आंखों से नजर आती है। ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, सारे गांव वाले बोलते हैं इस बात को। हेलो अनमय, निकलने में मेरे को लगा निकलना पड़ेगा यार। भाई सूर्या भाई, भाई वापस गिर गया तेरी कसम यार। निकल भाई निकल 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 बाहर निकल बाहर निकल बाहर निकल। घर वाले भी सो रहे हैं।
अरे भाई तो कहीं आ रहा भाई, कोई खाना मतलब कैमरा फंसे देख ले भाई, कर दिया भाई मैंने, कोई भी आने हुआ बाहर आने के लिए कोई एग्री नहीं है यार। इतनी भाई शोर हो रहा है लेकिन कोई बाहर नहीं आ रहा है, मैं भी लाउड बोल रहा हूँ तो भी नहीं आ रहा है। इंटेंशनली हम किसी गलत इरादे से नहीं आए हैं यहाँ पे। जैसा था हाँ, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ चोरी का इल्जाम लगा दिया यार, कुछ लगा यार, समझ में नहीं आया यार, कुछ तो गड़बड़ भाई। नीचे चलते सूर्य भाई, बढ़िया यार। हो गया भाई यार, कोई बात नहीं, समझ में नहीं आ रहा ऐसे यार। डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि देखो ना, अगर हम जितना ज्यादा डरेंगे उतना ही ज्यादा ये चीजें हम पे हावी हो सकती है और मे बी हार्म भी कर सकती है। पर हम जिस पर्पज से यहाँ आए हैं वो है सिर्फ और सिर्फ इस लोकेशन को विजिट करना। जो कुछ था यहाँ पे वो कुछ आज भी है, बस वही रिकॉर्ड करना है, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक चलते है? हैं नीचे, हाँ चल। ना आनंद है ना भाई, हर एक चीज को ना बारीकी से करना पड़ेगा, क्योंकि घुटन जैसे महसूस हो रही है। भाई जान ले यार। देखिए अगर आप यहाँ पे हैं तो हम बस इतना सा चाहते हैं कि आप हमारे को कोई भी नुकसान ना पहुंचाओ, क्योंकि हम इस जगह पे किसी को भी नुकसान पहुंचाने के इरादे से नहीं आए। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ यहाँ का जो सच है, यहाँ पे जो घटना घटी हुई है आपके साथ में, आपकी मौत की जो वजह है वो जानने के लिए यहाँ पे आए हैं। अगर हमें बस इतना सा पता चल जाता है कि आपकी मौत की वजह क्या थी तो हम जो है यहां से चले जाएंगे। लेकिन उससे पहले हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे साथ कुछ भी गलत ना हो यहाँ पे, इतना सा चाहते हैं हम भाई। इन रूम में तुझे अंदर कुछ महसूस हो रहा है क्या? अंदर आने के बाद गरम गरम सा लग रहा है, बिल्कुल गरम सा लग रहा है ना बिल्कुल भाई, इस चीज में बोलना चाह रहा हूँ। मैं ये जान ले देंगे। और अरे कोई हाथ बने हुए हैं आगे देख, ये तो हो सकते हैं, पांच है आदमी है, पांच है चार है, बिल्कुल पांच है, नजर एक बुरा, एक ये, तीन ऊपर, पांच है। नहीं आ रहा। इस चीज से हो सकते हैं नहीं यहाँ से, इस जगह से चूर्ण निकला हुआ है। मुझे बस एक चीज का अफसोस हो रहा है कि हम इस घर में खड़े हैं और इस घर के पास में एक और मकान बना हुआ, वो इतना बड़ा है और लोग वहां से बाहर तक नहीं आ रहे। हाँ भाई, सूर्य भाई को आने के लिए एग्री नहीं है यार। भाई बालकनी से तो झांक के देख सकता है ना कोई, लेकिन वो भी नहीं हो रहा है। अच्छा आदमी रात से रहना है ना, आप ध्यान से आना। ये बेल चुकी भी है और ये हरी है। हाँ यार, आजा ओ भाई, सूर्य भाई, सूर्य भाई, ओए इधर आ, इधर आ, ओए भाई सामने चीज थी यार तेरी, कदम भाई क्या हुआ? इधर थी सामने, भाई कहाँ पे? तो कमरे में है अभी तो आए इस भाई। कमरे नहीं से, नहीं इस कमरे में मैं बोल रहा हूँ, सूर्य भाई सामने थी बिल्कुल। अभी तो आए भाई इस कमरे से अपन। अरे सामने खड़ी थी बिल्कुल यार। भाई चल 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 चल, सूर्य भाई मैं बोल रहा हूँ अंदर चल, अंदर ही चल भाई, रहे तो अंदर कोई भाई, इशू नहीं अंदर ही है है। यार।
बिल्कुल सामने खड़ी, अभी तो निकले थे इस कमरे से, यही तो समझ में नहीं आ रहा यार मेरे भी। यार कहाँ कहाँ देखा था तूने? यहाँ पे बिल्कुल जस्ट, नहीं नहीं उसमें जस्ट भाई यार सामने है यार, दोनों का रॉन्ग कहीं कोई भी नहीं है यार। क्या भाई यार तूने क्या देख लिया था? तू जहाँ खड़ा ना जस्ट सही यहीं पे खड़ी थी बिल्कुल सेम। क्या देखा तूने भाई? यार चीज खड़ी थी बिल्कुल यार, स्पिरिट थी यार, स्पिरिट थी यार भाई भाई बिल्कुल कैप्चर हुई यार देख कसम भाई, रिकॉर्ड भी हुआ है साफ, चेहरा नजर नहीं आया बस। देखिए हम इस घर में किसी भी गलत इरादे से नहीं आए, ना ही हम चाहते कि हमारी वजह से आपको कोई परेशानी हो। भाई अरे भाई वो यार भाई आवाज सुनाई नहीं थी दी भाई, लकड़ी भी आवाज सुनाई नहीं थी दी ना भाई, ये लकड़ी अग्रेसिव है, मुझे ऐसा लग रहा अग्रेसिव है उसका है भी यार उसका है भाई। फटाफट से लोकेशन विजिट करते हैं, तुम अच्छा लगे ज्यादा नहीं रुकना वहां पे, जैसे गांव वालों ने बोला ना वहां जाइए यार धमके। या तो कोई गेट वेट बंद हुआ ना ऐसे कुछ आ जाइए सूर्य भाई। चारों तरफ राउंड कर ले, चारों तरफ राउंड। कुछ नजर आया? कुछ भी नहीं आया यार। लगना आनंद यार बिल्कुल, लोकेशन बहुत ज्यादा रिस्की है, हमने रिस्क लिए है लेकिन हम नहीं चाहते कि हम दोनों में से किसी को भी परेशानी हो यहाँ पे। ये शायद वो जरिया था जिससे उसने अपनी बेटी को पाला था। ये तो कसीदे की मशीन आती है ना वो है सूर्य भाई, ये तो खत्म हो चुकी है भाई, सीधा है कि सिलाई है मुझे नहीं पता, तो मशीन का वो स्ट्रक्चर है खाली। कसीदे की एक भी हमारी भी पड़ी ना इसलिए पहचान गया था मैं, कसीदे की एक हमारी भी ऐसी है इसलिए। ये क्या बना हुआ है? इधर जाने वाला था तब तक तो मेरी आवाज आ गई मुझे। अड्डा है ध्यान रखना। रसोई वसोई तो नहीं है? नहीं है तो ना हो मेरे। आराम से चलना, खड्डा है यहाँ पे बिल्कुल। भाई भाई सूर्य भाई अंदर से आवाज आई यार, कोई भी नहीं है यार। ध्यान से ध्यान से भी तो है। ये अभी क्या हो रहा है यार? बोलिए भाई यार, होगा सामना हो रहा है अपना, ये तो अंडरग्राउंड है यार, डाउन के अंदर है तो पूरा नीचे आ गया, ऊपर मिट्टी से लिपा हुआ था। वो ऊपर वाला रूम तो बिल्कुल एक नंबर कंडीशन में था यार। और ये देख यहाँ पे बहुत सारी चीजें, बहुत अजीब है आनंद। ये देख ना इधर देख, ये क्या है? शायद हो सकता है इसके पीछे भी कोई रूम हो। देख पत्थरों से चुना हुआ है भाई, ये पत्थर मतलब है ना सीमेंट वीमेंट से बने बना ऐसा नहीं लग रहा, चूना है शायद, पता नहीं कुछ तो है यार, इधर मिट्टी उधर सीमेंट चूना, समझ नहीं आ रहा यार क्या हो रहा है यहाँ पे। भाई सच बता रहा हूँ, हम इस लोकेशन के अंदर तो आ गए, पूरी तरह से फट रही है अब तो। कुछ भी गंदा था ध्यान से आना।
यहाँ पे 1% भी मुझे ये नहीं लग रहा कि ठंड है भाई, बिल्कुल गर्म है कि चूने के ना यार, इसलिए बहुत गंदी सी वाइब आ रही है अंदर से, ऐसा लग रहा है कुछ गलत हो सकता है अपने साथ में। भाई यार देख, बारिश का पानी ऊपर से नीचे आता है, ये वो खत्म हो रहा है। सूर्य भाई एक बार दिखिए बस यार। मैं दिखना मायने नहीं रखता है, अंदर से कुछ फील हो रहा है क्या तुझे? मुझे तो बहुत गंदा लग रहा है अभी यहाँ पर, मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि अपने साथ में कुछ गलत हो सकता है। फिर तो चलते सूर्य भाई, बाहर निकलते हैं। हाँ हेलो आनंद, सूर्य भाई, सूर्य भाई।